सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज मैं चिपियाना बुजुर्ग लाल कुआं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रिज है जो कि रेलवे के ऊपर बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। गाइस तस्वीरें देख सकते हैं, इसकी वजह से सुबह शाम का इतना ज़्यादा जाम रहता है कि क्या ही बताएं आप सभी को। गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं रोड के इस साइड में खड़ा हुआ हूं कि इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जब मैं दिल्ली की साइड से आता हूं और गाजियाबाद में एंटर लेता हूं, तब ये देखने को मिलता है कि जब आप शाम को 4 बजे के बाद में जब वहाँ से आएंगे 5 बजे के बाद में, तब आपको पता चलेगा कि कितना जाम रहता है यहाँ पर, कितना ट्रैफिक रहता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा ये ब्रिज है, और ये यहाँ तक ये लोग बैठे हुए, और यहाँ तक इन्होंने करीब 100 मीटर के करीब आगे को ये खिसका दिया गया है गाइस। आगे इस पर और भी बर्फ चल रहा है जो कि खिसकाने का, और आपको बता दूँ कि इसमें खिसकाया भी बड़ी अच्छी तरीके से जाता है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें वो लगाते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से खिसका है, ये पिन्नी लगा रखी ताकि इस पर धूल मिट्टी ना जाए, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीस, ये ग्रीस लगाया गया है नीचे इसको, क्यों खिसकाने के लिए। और ये भाई साहब थोड़ा सा रेला देने पे ये खिसकता है बहुत तेज़ी के साथ में, क्योंकि बहुत चिकना हो गया तो इस वजह से तो बहुत तेज़ी के साथ में ये खिसकता है। तो देख सकते हैं कि पहले इसकी तस्वीरें कहाँ पर था और अब ये कहाँ जा के पहुँच चुका है गाइस। और देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो चल रहा है तेज़ी के साथ में, और मैंने पिछली वीडियो के मुताबिक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारा काम हो चुका है। जो बीच में ये लॉन्चर लगे हुए हैं देख सकते हैं, ये बीम, ये लोहे के बीम खड़े हुए हैं, इस क्रेन मशीन द्वारा ये खड़े किए गए हैं गाइस। तस्वीरें आप लोग आँखन से देख सकते हैं, ये हैं कुछ तस्वीरें दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्क रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुबह शाम जाम लगा रहता है आए दिन इस ब्रिज के ना बनने से। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और कितना लंबा चौड़ा ये ब्रिज बनाया जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि अभी इसको 1 साल हुई है बनके तैयार। तो ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे है, और बहुत ही सुंदर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। हमारे गाजियाबाद की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से दी गई है आपको बता दूँ इस एक्सप्रेसवे में गाइस। तो देख सकते हैं ये है इसका ब्रिज, जो कि स्टील की मदद से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस था तो इस वजह से इन्होंने ये स्टील का ब्रिज बना के खड़ा किया। और आपको बता दूं, देखिए इतना ये खिसका चुके हैं, अब इसको आप लगा सकते हैं कि इतना खिसका दिया। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में ये आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमारे कहाँ तक था, वो पहले ब्रिज ये यहाँ तक था, यहाँ तक था ये गाइस, यहाँ तक, ठीक है। फिर ये नए पट्टे लगे हैं इस पर देख सकते हैं, और ये कितना खिसका दिया गया आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ये करीब 100 मीटर के करीब 100 मीटर तक ये इन्होंने आगे खिसका दिया है, देख सकते हैं। अभी इस बार इधर काम होना है, और इधर देखिए किस तरीके से इन्होंने ये खिसकाया है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम तस्वीरें उस साइड की गई। तो इसके अंदर से हम अंदर से चले, बाहर से चले, चलिए आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या नज़ारे हैं यहाँ के। तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ उधर की तस्वीरें। दोस्तों ये है नज़ारे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये खिसकाया जाता है, और इधर देखिए इधर ये अभी कंप्लीट होगा कि इस पर रखा जाएगा, ये ब्रिज आएगा खिसक के। तो देख सकते हैं कितना कुछ यहाँ पर वर्क हो चुका है, कितना कंस्ट्रक्शन हो गया, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था वो भी आप देख लेना, वो भी मैं लगा दूंगा, तो आप लोग देख लेंगे कि कितना ज़्यादा वर्क हो, जो देख सकते हैं भारी भरकम ये क्रेन मशीन देख सकते हैं, ये बहुत भारी भरकम क्रेन मशीन है। और पहले ये नहीं लगे थे इस पर, ये देखिए ये बीच के जो ये गाटर हैं ये नहीं रखे गए थे, और अब ये भी रख दिए गए हैं अपनी आंखों से, तो खुद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी इसमें वर्क हो चुका है और इसको खिसका भी दिया गया है। तो चलते और आपको दिखाते हैं आगे नज़ारा के क्या है, देखो आप लोग
क्योंकि इसको ये जोड़ते हैं। और इस पर आपको बता दूं कि ये ग्रीस है, ग्रीस की मदद से ये फिसलता है, मतलब चिकना हो जाता है, और चिकने की वजह से फिर बहुत अच्छे से ये खिसकता है गाइस। तो देखिए किस ये इस तरीके से इस पर बेल्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके ये बेल्ट किया जा रहा है वो अपनी आँखों से देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, क्योंकि मैंने पिछली बार दिखाया था और पिछली बार ये भी नहीं बना था, देखिए वो नहीं बना था पिलर, वो अब बना रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए इसको जोड़ा जाता है, देखिए ये मिस्त्री जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भैया से जोड़ रहे हो ना आप, इसको जोड़ रहे हो ना, ये मिस्त्री साहब इसको देखो जोड़ने का काम कर रहे हैं। और देखो इतनी दोपहरी में, इतनी देखो झिलाझिल दोपहरी पड़ रही है, और बेचारे इतनी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं हम जनता के लिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाए ये ब्रिज, और हम जनता के लिए थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि सुबह शाम का जाम इसके ना बनने से बहुत ज़्यादा सुबह शाम का जाम रहता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये नई गाटर रखे गए थे, अब ये भी गाटर रख दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर ये मिस्त्री साहब यहाँ पर इसको वर्क कर रहे हैं, देखिए ये काटा पेटी का काम चल रहा है, इसको इसकी साइडें मिला रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और मैं ऐसे ही ब्लॉग्स लाता रहता हूँ आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं गाइस, देख सकते हैं। तो ये मिस्त्री साहब बता रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने का वक्त अभी लग जाएगा इसमें कंप्लीट हो जाए होने में, और 2 महीने बाद और फिर इस पर वाहन दौड़ने लग जाएंगे, और जो जनता की मुश्किलें हैं, जो परेशानी है, वो क्लियर हो जाएगी। तो बस यही था आज का ब्लॉग, देख सकते हैं ये वर्क चल रहा है यहाँ पर, ये गाटर लगाए जा रहे हैं ये, और ये गाटर लगाने के बाद में और इस तरीके से ये जोड़ रहे हैं गाइस। और देखिए, और ये इंडियन रेलवे की गाड़ी भी आ रही है, देखिए मालगाड़ी आ रही है, ये देख सकते हैं तस्वीरें देखो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कितने तेज़ी के साथ में यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रेलवे ब्रिज को बनाने के लिए, और नीचे से ये इंडियन रेलवे की मालगाड़ी गुजर रही है, देख सकते हैं। और ये गाटर, ये देखिए ये बीम खड़े कर दिए गए हैं इन पिलरों पर, पहले ये पिलर खड़े किए गए थे जिस पिछली वीडियो में आप तो देखोगे, और जो उस टाइप का वो लॉन्चर लगाया जा रहा है इनके ऊपर, ये गाटर के ऊपर ये लॉन्चर रखा जाएगा, जो कि वो उधर रखा हुआ क्रेन मशीन के पास में, ये जो क्रेन मशीन है इस पर ये काटने का काम चल रहा है, देख सकते हैं ये साइडों में ये जो सरिये लगे हुए थे वो सरिये काटने का काम चल रहा है। ये क्रेन मशीन से 3-4 लड़के इस पर खड़े हुए हैं, ये क्रेन मशीन वहाँ पर खड़ी हुई है गाइस, देख सकते हैं। ये इंडियन रेलवे की मालगाड़ी निकलते हुए स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से गाइस इस स्टील का ब्रिज इन्हें बनाना पड़ा है। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है एफको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, देख सकते हैं गाइस, क्योंकि ये भी पिलर खड़े कर दिए गए हैं, इस पर भी अभी इस तरीके का ये गाटर रखा जाएगा, और इनके ऊपर एक गाटर ये रखा जाएगा जिस पर खिसकाएंगे। एक तो ये चल रहा है, ये देखिए ये वाला गाटर रखा जाएगा, और देख सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लंबी है, देखिए इस पर भी वर्क चल रहा है, देखो वहाँ से लेकर और यहाँ तक लंबाई देख सकते हैं, और ये इसके ऊपर रखा जाएगा जो वो गाटर थे उनके ऊपर, ये बीम के ऊपर रखा जाएगा, देखिए वो बीम रख दिए गए हैं, अब इसके ऊपर ये गाटर रखा जाएगा गाइस। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग, ये देखो इस तरीके से, और इतनी दोपहरी में ये लगे हुए हैं गाइस, खुद ही आप लोग देख सकते हैं कि हम आम जनता के लिए। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है एफको इंफ्राटेक, तो देख सकते हैं ये गाटर रख दिए गए हैं, फिर उसके ऊपर वो लगाया जाएगा जैसे वो गटर लॉन्चिंग लगाया हुआ है उस तरीके से, ऐसा लंबा लंबा लगाया जाएगा, फिर इसकी ये पटरी सी बनाई जाएंगी, ये दोनों ये साइड की ये दो पटरियाँ हैं ना, इस पर फिर ये ब्रिज खिसकेगा, क्यों ऐसे ही उधर भी बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं यही सीन है यहाँ का,
देख सकते हैं ये वो पिलर खड़ा किया जा रहा है उधर वो, और उधर देखिए वो सीमेंट लगा दिया गया, वो भी खड़ा किया जाएगा, उसके ऊपर भी देख सकते हैं वो नीचे नीचे देख सकते हैं वो वाला, वो मेरी उंगली है, वो लगाया जा रहा है। देखिए ये जेसीबी के ऊपर इसकी कटिंग चल रही है, सरियों की कटिंग चल रही है गाइस, तो बस यही चल रहा है। और चलिए अब आगे भी क्रेन मशीन खड़ी हुई है, तो अभी मतलब महीने दो महीने इसमें लग जाएंगे कंप्लीट होने में गाइस, तो बस यही है आज का नज़ारा। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है।